जब ये पैदा हुई तो दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है वो येलो होना शुरू हो गया। 9 माह की उम्र में हमें पता चला कि इसको थैलेसीमिया मेजर है। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको हर माह बाद होने लगेगा। तो हम लोग परेशान हो गए कि ये कौन सी बीमारी है जो हर माह बाद इस बच्चे को होने लगेगा। थैलेसीमिया का नाम सुन के मेरी पैरों तले जमीन निकल गई। डॉक्टरों से सुना है कि ऐसे बच्चों की जिंदगी बहुत कम होती है। जो ये 2.5 माह की उस वक्त हमने इसको ब्लड लगवाना शुरू किया। मेरी बेटी को पहले 1 माह के बाद ब्लड लगता था, 1.5 माह भी गुजर जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ रही है तो हमने 25 दिन पे किया, 20 दिन पे, और अब इसको 15 दिन के बाद हम ब्लड लगवाते हैं। अगर ब्लड नहीं लगवाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, तंग करती है, रोती है, प्रॉपरली खाती पीती नहीं है, जिसकी वजह से हम मज़ीद टेंशन में आ जाते हैं। इसको ब्लड तकरीबन 16 साल से लग रहा है और ब्लड इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट भी होता है, इसलिए ब्लड का भी एक साइड इफेक्ट है कि उसमें इसका आयरन जो है वो बढ़ जाता है। डॉक्टरों से सुना है कि इसको खून लगवाना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं, आयरन भी इसका बहुत बड़ा मसला है। तो वो आयरन कम करने के लिए हमें डिस्ट्रॉल इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और उसका दौरानिया 6 से 8 घंटे तक होता है। सारी रात इसको सुई लगी रहती है तो इसमें बच्चे को तकलीफ भी होती है। मैं माँ हूँ, जब मैं इसको खुद लगाती हूँ तो मेरे दिल पे जो बीती है वो मैं ही जानती हूँ। इससे पहले मेरा 5 साल पहले बच्चा था 18 साल का, उसको थैलेसीमिया थी। 14 साल के बाद पता चला उसको थैलेसीमिया थी, तो अल्लाह को प्यारा हो गया। बच्ची का इलाज के लिए इसका बोन मैरो का 20 लाख रुपया खर्चा है, हम लोग इतना ही अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं माँ हूँ, माँ की पुकार सुन। ऐसा लगता है जैसे हम माशरे पर बोझ है। ये क़यामत है जो हम लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं बच्चों के साथ। अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना हर ख़ानदान के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। हर शादीशुदा जोड़ा साहिब औलाद होने को अपनी खुशकिस्मती समझता है और बात सही भी है, इसीलिए हर शादीशुदा जोड़ा चाहता है बच्चे। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि बच्चे ही उनकी जिंदगी बन जाते हैं। जिंदगी के सफर में बच्चे ही उनका सब कुछ होते हैं। मगर सोचिए, अगर यही बच्चे बीच सफर में अपने माँ बाप का साथ छोड़ दें तो? ये सोचकर ही इंसान कांप जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा भारी जो बोझ है वो किसी बाप के कंधों पर उसकी औलाद का जनाजा है। मगर बदकिस्मती से ऐसा हो सकता है, जिन बच्चों को ये माँ बाप अपनी दुनिया मानते हैं वही बच्चे माँ बाप से पहले ही उनको अलविदा कह देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अपनी पैदाइश से लेके मौत तक इनकी जिंदगी दर्द से भरी होती है। ये बच्चे हर रोज तिल तिल मरते हैं। उनकी जिंदगी में उनको स्कूल जाने से पहले ही अस्पताल जाना पड़ता है। उनको झूले के साथ साथ अस्पताल के बिस्तर पर भी सोना पड़ता है। उनकी किस्मत में माँ बाप की उंगलियों से की जाने वाली गुदगुदियों के साथ साथ सुई की बेरहम चुभन भी लिखी होती है। आप माने या ना माने, ये सुई उनकी नन्ही रगों में कुल मिलाकर 55,000 घंटों या इससे भी ज्यादा देर तक रहती है। बात अगर पिछले और पुराने जमाने की होती तो हम इसे किस्मत का लिखा समझकर अपना दामन बचा लेते और कसूरवार सिर्फ तकदीर और किस्मत को ही समझते। लेकिन मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में अगर कोई बच्चा इस तरह की कर्बनाक जिंदगी गुजारता है तो साइंस इसे नासमझी और जाहिलियत मानती है। बात चौंका देने वाली जरूर है मगर सच है। बच्चे की जिंदगी को मुश्किल बना देती है एक बीमारी जिसका नाम है थैलेसीमिया। इस बीमारी में बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। थैलेसीमिया की बीमारी उसको उसके अपने ही वालदैन से विरासत में मिलती है। थैलेसीमिया खून की एक मौरूसी बीमारी है जिसकी 3 किस्में हैं, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर और
थैलेसीमिया इंटरमीडिया। थैलेसीमिया मेजर के मरीज में खून के सुर्ख खुलिए बनाने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए उनको हर दो हफ्ते के बाद खून लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया माइनर बाकी तंदुरुस्त लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकता है। हमारे जिस्म के अनगिनत हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकालने और उसे फेफड़ों तक पहुंचाने का काम रेड सेल्स करते हैं। ज़ाहिरी तौर पर हमारे रेड सेल्स ऐसे होते हैं। थैलेसीमिया माइनर के रेड सेल्स कुछ ऐसे होते हैं और थैलेसीमिया मेजर के रेड सेल्स ऐसे। फ़र्क बिल्कुल साफ दिखता है और इस फर्क की वजह है माँ बाप के खुलिए। पैदा होने वाले बच्चे को माँ और बाप दोनों की तरफ से एक एक खुलिया मिलता है। अगर बच्चे को मिलने वाले दोनों खुलिए थैलेसीमिया मुतासरा जगह से हों तो बच्चे के जिस्म में बनने वाले रेड सेल्स ऐसे बनेंगे जो तंदुरुस्त और बाअसर नहीं होते। अगर बच्चे को वालदैन के एक तरफ से नॉर्मल खुलिया और एक तरफ से मुतासर खुलिया मिले तो पैदा होने वाला बच्चा नॉर्मल नहीं होता, मगर उसको किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं होता, यानी वो थैलेसीमिया माइनर पैदा होता है। हत्ता कि जब तक ब्लड टेस्ट ना करवाया जाए तब तक थैलेसीमिया माइनर का पता भी नहीं चलता है। अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं तो हरगिज़ किसी दूसरे थैलेसीमिया माइनर से शादी ना करें। थैलेसीमिया माइनर बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, ये एक कैफियत है जो इंसान को पैदाइश से ही होती है। अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं और आप किसी थैलेसीमिया माइनर से शादी करते हैं तो आपका होने वाला बच्चा तीन खदशात का शिकार होगा। 25% नॉर्मल होने का, 50% थैलेसीमिया माइनर होने का और 25% थैलेसीमिया मेजर होने का। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि थैलेसीमिया मेजर के मरीज को हर दो हफ्ते बाद खून लगवाना ही पड़ता है, इसलिए बार बार खून लगवाने की वजह से थैलेसीमिया मेजर के बच्चों में आयरन की मिकदार बढ़ जाती है जो लीवर और पेंक्रियाज वगैरह में जमा हो जाती है। आयरन को जिस्म से निकालने के लिए कुछ अद्वियात भी दी जाती हैं। इन अद्वियात की वजह से बच्चे को काफ़ी दर्द और तकलीफ भी बर्दाश्त करना पड़ती है। थैलेसीमिया का असल इलाज बोन मैरो या स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन है, जो आसान ना होने के साथ साथ काफ़ी महंगा भी है। इसके अलावा बार बार खून लगवाने और खून की मेयारी तरीके से स्क्रीनिंग ना होने से HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी खतरनाक बीमारियों का डर भी रहता है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1.5 करोड़ लोग थैलेसीमिया माइनर का शिकार हैं, और अगर ये तमाम लोग आपस में शादी कर लें तो थैलेसीमिया पाकिस्तान में किस तेज़ी से फैलेगा इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। 400 रेड सेल्स ब्लड बैग 4 लाख रुपए, 6,000 टैबलेट्स 3 लाख रुपए, 7,000 इंजेक्शंस 20 लाख रुपए। इन तमाम खर्चों और ज़िंदगी भर की तमाम तकलीफ़ों से आपको बचा सकता है एक टेस्ट, और वो भी सुंदस फाउंडेशन से बिल्कुल मुफ्त करवा कर। थैलेसीमिया को जड़ से मिटाना नामुमकिन नहीं है। इस बारे में इटली अपने मुल्क से थैलेसीमिया का नामो निशान मिटाने में कामयाब हुआ है। इटली की तरह स्पेन और साइप्रस ने भी थैलेसीमिया पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ अवेयरनेस और एहसास की। डॉक्टर्स का कहना है कि आप किसी भी जात से हों, शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। अगर किसी शादीशुदा जोड़े ने थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं करवाया है तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट से बच्चे का टिश्यू टेस्ट करवाकर भी थैलेसीमिया का पता चलाया जा सकता है।
और इस टेस्ट के लिए इदारा सुंदस फाउंडेशन आपको अपनी सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। आइए इदारा सुंदस फाउंडेशन 24 घंटे अपनी तमाम सर्विसेज देने के लिए आपका इस्तकबाल करता है। सुंदस फाउंडेशन पिछले कई सालों से थैलेसीमिया में मुब्तला हजारों मासूम बच्चों को खून और अज्जाए खून मुफ्त फराहम कर रहा है। थैलेसीमिया के टेस्ट करने के लिए और थैलेसीमिया को जड़ से मिटाने के लिए सुंदस फाउंडेशन जगह जगह सेमिनार मुनक्कद करता है और थैलेसीमिया के खात्मे के लिए दिन रात कोशा है, क्योंकि सुंदस फाउंडेशन ने थैलेसीमिया के मरीजों के दर्द और उनके वालदेन की परेशानियों को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। फरमान बारी ताला है कि कोई बीमारी दुनिया में ऐसी नहीं उतारी गई जिसका इलाज नामुमकिन हो, और इसी फरमान आली शान के भरोसे से सुंदस फाउंडेशन को यकीन है कि इंशाअल्लाह एक दिन थैलेसीमिया का खात्मा ज़रूर होगा और इसका कोई कामयाब इलाज दरियाफ्त होगा। और इसी उम्मीद पर सुंदस फाउंडेशन मुतासरा वालदेन के कंधे से कंधा मिलाए इन कठिन रास्तों पर अपना सफ़र जारी रखे हुए है। मगर इस सफ़र में हमें आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग हमेशा की तरह हमारा साथ इसी तरह देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसे ही किसी दिन हमें ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि थैलेसीमिया का 100% इलाज दरियाफ्त हो गया है और इस बीमारी पर काबू भी पा लिया गया है।